जो दियो तो मेरी मताओ भैनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत राम उदासी ने बहुत पहला लाइना लिखिया सी कि उठ किरतिया उठ बे उठन दा बेड़ा, उठ किसाना उठ बे उठन दा बेड़ा, जड़ बैरी दी पुट बे पुटन दा बेड़ा, जो तेरी दस्तार नू पैंदे तोर दे मियो गुट बे उठन दा बेड़ा, उठ किरतिया उठ बे उठन दा बेड़ा। असी तुहानू सलाम करन हित पहुंचे हाँ। असी अज इत्थे कोई कलाकार बन के नहीं आए, जिन्नी बारे स्टेज तो बोले हाँ ये गल सब तो पहला इस करके बोली है कि तुसी सानू टेलीविजन फिल्मां राहीं देखदे हो, बहुत सारा प्यार दिता है। एक कलाकार किसी फैक्ट्रिया च नहीं बने, एक किसी सरकारां ने पैदा नहीं किए, किसी राजसी पार्टियां ने नहीं बनाए, ये तुसी लोगों ने बनाए हैं। तुसी लोगों ने साडे नाल कलाकार शब्द बनाया तो असी कलाकार बने, तुसी सानू प्यार दे के एक आम इंसान तो कलाकार बनाया है। इसलिए फिर साडा फर्ज बनता जिथे तुसी बैठे हो असी तुहाडे पिछे बैठी आके तुहाडी पिठ थपत पाइए तो तुहानू कहिए कि असी तुहाडे नाल बैठे हाँ। समय बा समय जदों तो शिंगार चलिया तुसी उदों तो लै के, बेशक चाहे सर्दी बेशक चाहे गर्मी सी जां हुण बरसात का मौसम सी, डटे बैठे हो असी तुहानू सलाम कर लई पहुंचे हाँ कि तुहाडे सिर नूं सलाम है। तुसी वह योधे हो जिन्हां ने इतिहास में बहुत बड़ा एक कार्ज करके जाना है, जिन्हां ने आने वाली नसलों नूं यह दसना है कि असी अपने हिस्सों का संघर्ष लड़िया सी। दुनिया के जिन्ने भी संघर्ष लड़े गए सारे संघर्ष जितने लिए नहीं लड़े जाते, बहुत बारी संघर्ष है दसन लिए जड़े जाने कि असी है, असी जिंदे जागते हाँ, तो असी किसी को इतने किसी भी हाकम को अपनी मनमानी नहीं कर देवे। चाचा अजीत सिंह ने जदों पार्टी उस समय अंग्रेजों का राज सी, थोड़े वांग साडे बजुर्ग साडियां मातावां साडियां भैणां साडे बच्चे उस संघर्ष में कुदे, तो समय की सरकार नूं जिहड़ी गोरी सरकार सी उहनूं इह मनना पिया कि साडे कानून गलत ने, असीं कानून वापस लैंदे आ। उहनूं असीं बगानी गौरमेंट कहिंदे सी, उहनूं असीं गुलामी दा राज कहिंदे सी, असीं इह कहिंदे सी कि सत समुंदरों पार आए लोग ने उन्होंने भी साडे सिर अगे सिर झुकाया, उन्होंने मन्निया कि साडे तों गलती होई, असीं कानून वापस लैंदे आ। फिर यह सरकार ये लोग ये हाकम ये साडे कुर्सियां ते बिठाए होए ने, इन्हों असी चुन के गद्दियां बख्शियां, इन्हों भी एक दिन मनना पेगा कि असी गलत सी तुसी ठीक हाँ, थोड़े सिर नूं सलाम करदे हां थोड़े अगे झुकदे हाँ। हुण सोचण वाली गल ये है जिन्हें असी लोग हाँ साडे ते एक सवाल भी नाल बनता है, अपने भैण भरा ने अपने रिश्तेदार ने जिहड़े पंजाब च हाले भी बैठे ने, जिन्हां नूं हाले भी राजसी पार्टियां दा हेज मारदा, जिहड़ा हाले भी उन्होंने रैलियां विच ट्रालियां बन बन के जांदे ने, जिहड़े हाले भी उन्होंने रैलियां विच आके नारे मारदे ने, उन्होंने पिछे खड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने कि साडे आके आ गए असीं उन्हां दे पिछे खड़े हाँ। जे राजसी पार्टियां किसे काम दीआं हुंदीआं फिर तुहानूं इत्थे ना बैठना पैंदा, तुसीं जिन्ने लोग इत्थे बैठे हो कोई कस्बे पिंडां तो आए ने, असी पिंडां विच पंचायतां चुणदे आ कादे लई चुणदे आ कि पिंड दा कोई मसला होवे कोई दुख तकलीफ होवे ए पंच सरपंच बह के नजिठणगे, ए सानू रीप्रजेंट करदे ने। इसे करके सरकार चुनी जांदी है, MLA चुनिया जांदा, MP चुनिया जांदा कि ए लोग सानू रीप्रजेंट करदे ने। जे साडे नाल तक्का हुंदा सी तां उहनां लोकां दा फर्ज सी साडे MLA MP आ के इत्थे धरने लाउंदे, सानू धरने लाउण दी कोई लोड़ नहीं सी। जे असी धरने लाने हैं जे सानू धरने लाने पैंदे ने फिर MP ते MLA दा की मतलब होया, कादे लई तुसी वोटां पाईआं मैनूं इह दसो। असी सारी उम्र उहनां लोकां दे पिछे तीर कमान चुक के चलदे रहे हाँ, असी रिश्तेदारां नूं कहिंदे रहे हाँ, दोस्तां मित्रां नूं कहिंदे रहे हाँ कि फलानी पार्टी नूं वोटां पा दो, तुसीं सारी उम्र वोटां पाईआं, कौन खड़िया तुहाडे लई आ के? इह साडे मनां च सवाल है। मैनूं पता है लंबे समय तो साढ़े जिहड़े खानदान ने किसी ना किसी राजसी पार्टी नाल जुड़े हुए ने, अज भी अपने रिश्तेदारियों में फोन करने की लोड़ है, अज भी अपने दोस्तों भैन भरावों को कहने की लोड़ है कि छड़ दिओ इन्हां दा खहिड़ा, तुहाडे तक कोई नहीं अपड़िया। 9 महीने हो गए 550 तो वध बंदा इस संघर्ष में शहीद हो गया, कौन मुल पाऊगा उन्हां लोकां दा? सब तो बड़ी गदार वो लोग ने जिहड़े हले भी 550 बंदा शहीद होने तो बाद राजसी पार्टियां के पिछे तुरे फिरते ने, जिन्हां लोगों ने MC दीआं वोटां विच मूहरे हो के फलानी पार्टी नूं वोट पाओ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਲੋਕੋ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਲੇ ਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।